का था, ग्रुप का था। मतलब वो ग्रुप में ही आते थे ये। तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में गाइस। मैं हूँ जेपी जयपाल यादव और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ जेपी गाइस। तो आज जो है अभी हम मडगांव आ गए हैं गाइस और हमारा जो है ट्रिप होने वाला है कर्नाटका मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर टेंपल जो है इस टाइम सावन चल रहे हैं तो हमने सोचा आज जो है अभी हम लोग जा रहे हैं। सडनली प्लान बन गया था गाइस कि हम भी मुरुडेश्वर चलते हैं, थोड़ा दर्शन करके आते हैं, भोलेनाथ के सावन चल रहे हैं। तो दोस्त लोग सडनली प्लान बन गया है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम लोग जो है मडगांव स्टेशन पे हैं गाइस और जो है एक ब्लॉग आएगा हमारा जो है मडगांव स्टेशन का, मडगांव टू कैलिंगुट, जो उसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला है कि गाड़ी वगैरह कहाँ से आपको रेंट लेनी है मडगांव में। और फिलहाल अभी तो ये है हम लोगों का ट्रिप के लिए ट्रिप है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ से टिकट लेना है, कितने का खर्चा आता है, पूरा जो है पूरा मुरुडेश्वर के लिए कितना खर्चा आएगा पूरी ट्रिप के लिए। आप जो है ट्रेवलिंग कर रहे हो तो अभी आप दर्शन करने जा रहे हो, सावन चल रहा है, तो अब इस बार जो है इस बार दो सावन है इस साल में, तो आप कभी भी जा सकते हो मुरुडेश्वर टेंपल दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और अभी ट्रेन हमारी आने वाली है गाइस। हम लोग अभी चलेंगे और आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब गाइस। अभी हम लोग जो है मडगांव स्टेशन पे हैं और अभी हमारी थोड़ी देर में जो है ट्रेन आने वाली है। कुछ जो है हमारी एक घंटा लेट हो गई थी ट्रेन, तो इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ा यहाँ पर और सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पर मडगांव स्टेशन पर। और काफ़ी अच्छा है वैसे, यहाँ पर वेट कर सकते हैं, यहाँ पर वेटिंग रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं और अच्छा है, साइड में भी सारे लोग। और हमारी ट्रेन भी आने वाली है अभी कुछ देर में, तो उसके यहाँ सफ़र करना है। अभी जो है 11:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। इस साइड में सारे लोग स्लीपिंग कर रहे हैं मस्त करके। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, 2-2.5 घंटे लेट, 2.5 घंटे लेट है और ये पहुँचेंगी कम से कम 4-4:30 बजे के बीच में। जनरल टिकट है और देखते हैं कहाँ पे जनरल बुग्गी। चलो फाइनली जनरल बुग्गी भी मिल गई। नो इस पे चलो भाई, चढ़ते हैं इस पे, जर्निंग स्टार्ट करते हैं। 2:30 तो ऑलरेडी बज गया है भाई, भाई सो रहे भाई को जगह मिल गई उधर बोल रहा है। ट्रेन को बाय कर देते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम कर्नाटका मुरुडेश्वर स्टेशन और अभी जो है हम लोग जाएंगे मुरुडेश्वर टेंपल और जाके दर्शन करेंगे गाइस। और बाकी जो है अभी 7 बजे जो है टेंपल ओपन होता है, जब तक के लिए हम वेट कर रहे हैं यहीं पर। अगर आप फैमिली हैं आप लोग आ रहे हो तो आप यहां पर जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे, आप गेस्ट हाउस वगैरह भी ले सकते हो। तो यहां से 3 किलोमीटर है, यहां से आपको ऑटो भी मिल जाएगा, बट एक ऑटो था वो चला गया, तो इसीलिए हम लोग हम लोग बैचलर हैं, हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं 2-3 घंटे। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से वेट कर रहे हैं और जो है हम लोग 7 बजे जो है दर्शन करने जाएंगे। तो आपको हम वहाँ बताते हैं वहाँ पे कैसा रहेगा, 7 बजे के टाइम पे दर्शन के टाइम पे कैसा रहता है वहाँ पे। भाग भाग भाग, तो गाइस इस तरफ कुछ ऐसा है, अभी खाली पड़ा है इस टाइम स्टेशन पे और कोई भी नज़र नहीं आ रहे, अंकल जी बैठे हैं
और बाकी ऐसा है यहाँ पे, तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं ऐसे इधर से। बट हाँ यहाँ पे जो है एक चीज़ अच्छी लगी, पानी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब ठंडा एकदम चिल कूल। और भोलेनाथ हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हमने जो पूजा करने के बाद में, दर्शन करने के बाद में हम आ चुके हैं गोपुरम में। यहाँ पर जो है 20 रुपये की टिकट मिलती है गोपुरम, जो लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, वहाँ से जो आपको व्यू दिखता है वो एकदम अद्भुत रहता है। तो हम यहाँ से जो है 20 रुपये की टिकट लेंगे और हम अभी बढ़ेंगे लिफ्ट की तरफ। तो अभी हम लिफ्ट की तरफ जो है बढ़ेंगे और 20 रुपये की टिकट ले ली है। तो फाइनली हमने जो है टिकट ले ली, अभी हम जो है लिफ्ट की तरफ आ चुके हैं। और लिफ्ट में जो है गाइस 4 से 5 लोग आते हैं और हमारे लिफ्ट ऑपरेटर रहते हैं, ये भैया बैठे, इन्होंने हमारी टिकट चेक की और जो है फाइनली हम लोग ऊपर के तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट फ्लोर पे। और लास्ट फ्लोर का अंदर का जो नज़ारा है कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, सीढ़ियां जो है अभी यूज़ नहीं करते हैं और अभी फिलहाल जो है लिफ्ट यूज करते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे जो है साइड का नज़ारा और जो है सामने व्यू आएगा वो कुछ अद्भुत रहेगा। अभी हम पहले फिलहाल तो अभी हम करेंगे शिव जी के दर्शन। शिव जी का दर्शन करने के बाद उसके बाद हमको साइड का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से जो है शिव जी का दर्शन करते हैं गाइस, ऐसा लगता है कि हम साक्षात जो है हमारे सामने शिव जी बैठे हैं। और ये है कुछ राइट साइड का नज़ारा। तो कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताना। और अभी हम आपको दिखाएंगे सामने का नज़ारा। ये जो है सामने का है, कितना खूबसूरत है, सामने पहाड़ है और सामने राइट साइड में जो है व्यू है और समुंदर है, सी व्यू। और इस साइड में जो है सी व्यू, तो इस साइड में भी सी व्यू है। इस साइड में आपको होटल दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है होटल का ऑप्शन मिल जाता है आपको, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और गाइस उसके बाद जो है ये हमारा लिफ्ट का 20 रुपये मिला के हमारा पूरा 1000 ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ से जो है वापस जाते हैं, हमारी 9 बजे मॉर्निंग में ट्रेन थी, तो हम दर्शन करने के बाद जो है रिटर्न आ जाते हैं वापस गोवा। गाइस ऐसी हमारी वीडियो मिलती रहेगी, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन गाइस। हम मिलते हैं नए